चलिए मैं आपको आज ले चलती हूँ अपनी सहेली के घर। पहले ही बता दिया, नहीं बताना चाहिए था, है ना? तो हम जा रहे हैं कहाँ, मैं और बिंदु मैम। इसको डालते हो? बताती हूँ, डालना मतलब ये। तो हम जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, हमने स्कूल से डायरेक्ट हम निकल गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। काफी दूर हम चलकर आ गए और अब यहाँ हम देखिए चले जा रहे। पहली बार जा रहे, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस हम चले जा रहे। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। आप किसी को लगता होगा कि हमारा जाना पहचाना इलाका है तो आप गेस कर सकते हो। हम कितनी अंदर आ गए हैं, इधर से भी देख सकते हो आप लोग, काफी अंदर आ चुके हैं हम। चलिए बड़े मजेदार होने वाला है ब्लॉग। भाई कौन से स्कूल की बस है, हमारी तो नहीं है। चलो आ जाओ तुम लोग भी। क्या भाई मारना मत। हम चले जा रहे। अब पता नहीं कहाँ है, अब हम सीधा जाएंगे तब आपको मिलवाएंगे। बस चलना है, आएंगे बच्चे तो अच्छा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे खाली चली जा रही है और ये क्या दिखा रही है। जिनसे मिलवाना है वो तो बहुत दूर है अभी। लोग के चक्कर में एक हजार उठा पटक दी, एक तो लाल ओढ़नी हो रही। हमें मिल नहीं रहा है, हम खोज रहे हैं भाई। बिंदु मैम परेशान हो रही है। अरे खेत से आगे आगे पूरा लास्ट में धनलक्ष्मी रेसिडेंसी है ना। हाँ धनलक्ष्मी रेसिडेंसी में ही। कौन से मैम? कौन से मैम था? धनलक्ष्मी रेसिडेंसी दो है ना। उस तरफ क्या है, खाड़ी है? उस तरफ नदी है। नदी है, अच्छा। देखो हम पहुंच गए और हमें लेने के लिए आ गए बच्चे हमारे। ये है मेरा प्रख्यात राजा। ये देखो प्रख्यात है मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, और ये है मेरी परी जो हमको लेने के लिए आए। तो नहीं पड़ा उसमें। तो हम जा रहे अपने, किसके घर जा रहे आपको दिखाती हूँ। चलिए ये भागी प्रख्यात आगे। देखो ऊपर से कोई आवाज दे रहा है। आ गई मैं बुलाते। अब जाके सुस्ताएंगे। आ गए हम। भाई कहाँ है? ऊपर और ऊपर। चलिए मैं मिलवाती हूँ
अब देखिए मैं किससे मिलवा रही हूँ। ये है हमारी छोटी। अरे यार बहुत दिन के बाद अच्छा लगा। यहाँ तक तो सही था। हम आ गए। देखो कितनी खुश हो गई है वो, है ना? सारी चलो उस बेडरूम में चलो। हाँ कुछ नहीं चलेगा, चलेगा। अरे नहीं चलेगा, बस चलेगा। हम बस वहाँ पर भी बैठे हैं। देखो फसर जाती हूँ तेरी। हाँ डालूंगी डालूंगी। अभी क्या हो गए? अभी क्या हो गए? हम तो जो थे ज्यादा ही नाजुक थे। अभी क्या हो गए? अभी सब मोटे हो गए। चलो बिंदु मैम पानी पियो। आगरे का पेठा है भाई मशहूर। हाँ देखो हमारी सीमा रानी कितना खुश हो गई है। बहुत अच्छा लगा। खुशी का ठिकाना नहीं है। इतने दिन के बाद भी है और हम लोग आ गए हैं। इधर वाले तो मतलब पॉसिबल है, उधर से ही आना बहुत इम्पॉसिबल वाला काम रहता है ना। कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे तो ये नहीं रहता है। लेकिन हम पॉसिबल को इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। चलेगा अरे हमको तो हम तो हाथ से खा लेंगे। आजा प्रख्यात। आवा आवा हो प्रख्यात। ननियौरा गए रह ना? नहीं कहाँ गए रह? ददियौरा। हाँ देख ही नहीं पाए। हाँ माँ लोग को तो कमी लगता है। बेटी दो दस दिन भी रह जाएगी ना तो भी लगेगा कि मन की बात मन में रह गई। होता रहे। चलो बस करो आ जाओ बैठो। बिंदु मैम आओ बताएं कि देखो कैसे बना रहा है। आ जाओ बिंदु मैम ट्रेनिंग देंगे आपको। ऐसे डालके ना बस हल्के हाथ से आप ऐसे घुमाना। ढोल बनाए हो ना घर पे? क्या इडली का ढोल? ये हम ही अपने अपने घर का है। कैसे बनाए? वही इडली वाला ढोल था वैसे। ढोल इडली में ना दो कटोरी सेम रखते हैं। इडली में सेम रखने का हमारी बिंदु मैम सीख रही है, सीमा मैम सिखा रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड, ये मैं हूँ, ये बिंदु है, ये सीमा है और ये डोसा बना रही है। बहुत ज्यादा मजा आया भर भर के ट्रेनिंग देते हुए। धीरे धीरे सीमा के हाथों का डोसा ये रेडी हो गया है। एक प्लेट चलता है। चलिए वेलकम वेलकम एवरीवन। चलो कॉफी एंजॉय किया जाए। कुछ नहीं कॉफी एंजॉय किया जाए। चलो चलो अब एक एक उठा लो सभी। गर्मा गर्म कॉफी। भाई अपने ओट मत जलाना कोई भी। खाना हो गया, अब हम खा रहे मीठा। मीठा में है केसर खीर। हाँ नहीं नहीं तो हाथ धोते हुए लेती हूँ। हाथ धोते हुए देखो भाई। हाँ बहुत कुछ खाए भाई, अब पेट एकदम टाइट हो गया।
सीमा डाइटिंग पे लगी हुई है। चलो खाना खाने के बाद हम लोग लेट गए हैं तीनों। तीनों लेट गए हिलने का मन। इतना खाने के बाद हिलने का मन नहीं कर रहा कि सेल्फी ले ले। अभी हम लोग सो सो के सेल्फी बुरी तरह से थक चुके हैं। खा के नहीं थक गए। हम अपना पेट नहीं दिखा सकते। हम पेट भी दिखा सकते। देखिए सब लोग एकदम अभी घर जाना नहीं है भाई। यहाँ से हमारा घर बहुत दूर है लेकिन हम जाना नहीं चाहते। अभी ऑरेंज खाएंगे भाई। बस अब जगह नहीं है। अब ओवरलोडेड है। बाय बाय करेंगे। चलो भाई अभी हम चलते हैं। बहुत देर हो गया। देखिए भाई कितना टाइम हो गया। हम लोग कितने पहले आए थे? 5 बजे। हाँ तो चलते हैं अभी। चलो सीमा बाय बाय बाय। चलो कल मिलेंगे स्कूल में। तब तक के लिए चलो बाय। चलो भाई चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके घर आके। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाय। चलो कल मिलेंगे फिर से है ना। खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आया। भाई दोस्ती ऐसी चीज ही होती है ना। चाहते हुए भी अभी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग काफी एंजॉय किए। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सरप्राइज इन्होंने ये लोग ने मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दिया। मैंने सोचा नहीं था लेकिन रियली आई एम वेरी हैप्पी। बाय बाय गाइस। मत करोगे तुम? देखो देखो देखो। चलो तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि हम गए थे अंबिका पार्क। और अंबिका पार्क जो है वह लवाछा के पास है। दादरा नगर हवेली में यह क्षेत्र आता है। आप सामने देख सकते हो मैंने ऑटो से ही लिया था थोड़ा सा। तो दादरा नगर हवेली में आपका स्वागत है लिखा हुआ आपको दिखेगा। प्रवेश द्वार है दादरा का। और यहाँ से हम आ गए गुजरात में। और हम अपना इस ऑटो से बैठ गए थे। और ऑटो वाला भी इतना तेज़ ऑटो चला रहा था कि बस मैं और बिंदु मैम तो बैठ के खाली देख रहे थे। उसे हमने कहा भी लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था। फिर मैंने अपने ऑटो से ही मतलब बैठे बैठे ही अगल बगल का थोड़ा बहुत पिक्चर कैप्चर कर लिया। और हम चलते गए और हम आ गए अपनी जगह पर। अब पहुंच गई अपने।
मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।